अच्छे लेवल पे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आई है उनका शोषण हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हम आज अपनी बेटी को सपोर्ट करने आए हैं कि कल को ये भी शोषण का हिस्सा ना। मेरे को तो इस सरकार से बिल्कुल विश्वास ही उठ गया है, जो संविधान जिस पे हम गर्व करते हैं। Okay, अगर ब्रजभूषण का नाम बदल के बरत सिंह खान रख दें या बजरुद्दीन रख दिया जाए तो मतलब कि 12 घंटे के अंदर ही इतने अंधभगत, इतने पाखंडी लोग रोड पे आके खड़े हो जाएंगे कि उनको बेटियां दिखने लग जाएंगी। मैं देख लेती है और निष्पक्ष जांच कर देती है तो ठीक है, अदरवाइज जनता अपने हिसाब से यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाएगी कि सरकार जैसे बैरिकेड्स लगा रही है, किले ठोक रही है, इनसे काम नहीं चल। पूरा गाँव का समर्थन है इसमें, पूरा गाँव बिल्कुल मतलब पंचायतें चल रही हैं, पूरा गाँव गाँव के हमने कल भी शव यात्रा निकाली है ब्रजभूषण की डिस्ट्रिक्ट जींद में, कब अपने खापे काम कर रही है, सारे गाँव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 21 तारीख को हम दिखा देंगे सरकार। यहाँ पर कुछ लोग लंगर खा रहे हैं, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए हुए हैं और किस तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मैम आप कहाँ से आई हुई हैं? हम निडाना गांव से हैं, जींद, जिला जींद। अच्छा। क्या कहिएगा कि आप लोगों की बातें क्यों नहीं सरकार अब सुन रही है अभी तक? क्या कह सकते हैं, सरकार को लग रहा होगा शायद ये कुछ नहीं कर सकती लड़कियाँ, लेकिन वो जानती नहीं ना, लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, देश के लिए मेडल ला सकती हैं तो अपने लिए लड़ भी सकती हैं। तो बस हम उन्हीं के सपोर्ट करने आए। काले कपड़े में भी आप लोग आए हुए? हम पूरा परिवार काले कपड़े में आया है, ये मेरे हस्बैंड है, मेरी सास है, ये मेरी मदर है, ये मेरी भाभी है, ये मेरा भतीजा है, वो मेरी बेटी है 1 साल की। ये बेटी को भी दिखाइए, छोटी सी बच्ची है। तो यहाँ आप लोग जैसे जंतर मंतर पर आंदोलन के समय पर खाना खा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या सरकार के ऊपर कुछ दबाव इसका पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, जब घर में कोई एक वोट हो और अगर 10 वोट हो जाए सेम तो प्रेशर तो बनेगा ना, तो प्रेशर तो बनाना पड़ेगा। अगर वो 18 दिन से नहीं मान रहे हैं तो कुछ तो प्रेशर देना ही पड़ेगा ना, तो आए हम अपनी बेटियों के लिए। अच्छा क्या कहेंगे जो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे? बेटियां बचा तो लो तभी तो पढ़ाओगे, जब शोषण इस लेवल पे शोषण हो सकता है तो सोचो हमारी आम बच्चियों का क्या हो सकता है। इतने अच्छे लेवल पे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आई है उनका शोषण हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हम आज अपनी बेटी को सपोर्ट करने आए हैं कि कल को ये भी शोषण का हिस्सा ना हो। ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि जो लोग सपोर्ट करने आ रहे हैं वो एक बार कम से कम मेरी बात सुन लें, वो वीडियो जारी करते हुए कह रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूँ बिल्कुल। तो दोषी तो वो तो जांच होगी ना तभी पता चलेगा। कल साक्षी मलिक जी ने बोला था आप हमारा नार्को टेस्ट करवा लो, उनका भी करवा लो, जो सच है आप उसको सजा दे दो, चाहे हमें फांसी लगा दो अगर हम कसूरवार है, तो फिर डर किस लिए रहे, आगे आओ। अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा था, अभी ये पहलवानों का काफी लंबा खिंचता जा रहा है, अब क्या कह सकते हैं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, सरकार अंधी है ना, सिर्फ दिखाती है कि हम जल्दी वो कर देंगे। लास्ट टाइम जब कमेटी बनाई थी तो तब भी कुछ नहीं हुआ, उल्टा खिलाड़ियों का डबल शोषण किया गया, तो वो दोबारा आके बैठे अब। लेकिन इस तरीके से अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही पोस्को एक्ट में तो क्या लगता है आम लोग जो हैं उनके उनको? आम लोगों के तो अधिकार बिल्कुल ही सेफ नहीं है फिर उस कंडीशन में, अगर एक जो चैंपियन है और वो सब उनको ही अधिकार नहीं मिल रहा, उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही, तो हमारी बेटियों के साथ क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते फिर तो। तो देश के मेरे को तो इस सरकार से बिल्कुल विश्वास ही उठ गया है, जो संविधान जिस पे हम गर्व करते हैं तो संविधान तो आ ही नहीं रहा आगे। क्या और भी कोई मामले हैं जिसकी वजह से आपका ये विश्वास उठा है सरकार से? नहीं मेरा और कोई, पहले मैं किसान परिवार से हूँ, पहले किसान आंदोलन में ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, मेरे देवर, मेरा गाँव, सब हम 1 साल तक वहीं पे बैठे हुए थे धरनों पर, तो क्या कह सकते हैं, पर सुनवाई होगी, पर देर से होगी पर होगी। मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी तो कहे ही थे किसान आंदोलन के आंदोलन जीवी हैं कुछ लोग, और ये लोग भी ऐसे आरोप लगाते हैं कि हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं। नहीं तो बेटियों की इज्जत आड़े लाके थोड़ी ना कोई आंदोलन करेगा, मोदी जी कर लेंगे अपने घर की बेटी को आगे लाके वोटिंग ले लेंगे, नहीं ले सकते। थैंक यू। क्या कहेंगे सर आप एक छोटी सी बच्ची के साथ आए हुए हैं इतनी गर्मी में और काला कपड़ा पहन करके आए हुए? सर देखो काला जो कपड़ा है ये तो एक विरोध प्रदर्शन का सूचक है इंडिया के अंदर, अगर सरकार अन्याय करती है या कोई भी जनता के अंदर किसी भी तरह का रोष प्रदर्शन अगर करना होता है तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम ब्लैक कपड़ा डाल के या कपड़ा रिबन बांध के हम मतलब अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और जहाँ तक यहाँ इस आंदोलन की बात है, सरकारें आप अभी पूछ रहे थे कि तरह तरह के बदनामी के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है, बहुत सारी चीज़ें अनाप शनाप मतलब के बयान दे रहे हैं वो,
मैं मतलब एक ही लाइन में सारी सारी चीज बता दूंगा कि अगर ब्रजभूषण का नाम बदल के बरज सिंह खान रख दें या बजरुद्दीन रख दिया जाए तो मतलब कि 12 घंटे के अंदर ही इतने अंधभगत, इतने पाखंडी लोग रोड पे आके खड़े हो जाएंगे कि उनको बेटियां दिखने लग जाएंगी। और आज के दिन मतलब देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियां, देश के लिए सोना बरसाने वाली लड़कियां जो बैठी हैं रोड पे, वो किसी भी अंधभगत और इन सत्ताधारी पार्टी वाले नेताओं को नहीं दिख रही है। लेकिन क्या लग रहा है सर कि जैसे ये लंबा हो रहा है आंदोलन काफ़ी, और इसमें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही, कुछ काम नहीं हो रहा? ये जो फोटोजीवी हैं ये ऐसे ही झूठे और गलत सलत बयान करते हैं, ये हल्के में लेते हैं इस कौम को, या ये जो हरियाणा पंजाब और वेस्ट यूपी और लगभग इस आंदोलन में तो पूरा का पूरा इंडिया ही खड़ा हुआ है, पूरे के पूरे इंडिया से। अभी आपने देखा होगा बेंगलोर से 20 लड़के पैदल चल के आए हैं, और भी मतलब सभी संगठन हमारे साथ हैं। ये हल्के में ले रहे हैं, हमने किसान आंदोलन में भी घुटने टिकवाए थे मोदी सरकार के, और इस आंदोलन में भी अगर 21 तारीख का टाइम दे रखा है, सभी गांव-गांव में पंचायतें हो रही हैं, सभी इसके समर्थन में आ रहे हैं। अगर 21 तारीख तक सरकार इसमें देख लेती है और निष्पक्ष जांच कर देती है तो ठीक है, अदरवाइज जनता अपने हिसाब से यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाएगी कि सरकार जैसे बैरिकेड्स लगा रही है, किले ठोक रही है, इनसे काम नहीं चलेगा। पहले भी इन्होंने बैरिकेड्स लगाए थे, पर जनता ऐसे रुकने वाली नहीं है। ये कमेरे लोग हैं यहाँ के, खाप खेड़ों को मानने वाले लोग हैं, ये पाखंडी और बहकावे में आने वाले लोग नहीं है। जनता के बीच में सरकार का पर्दाफाश हो चुका है, ये बलात्कारी के साथ खड़ी है, और हम मतलब लड़ेंगे, जीतेंगे। और लंबी जो लड़ाई की बात कर रहे हो आप, पीछे 13 महीने तक थी, हम हमारी बेटियों को बिल्कुल इंसाफ दिलवा के रहेंगे। 13 महीने क्या चाहे 13 साल लग जाए, हम यहाँ पे बैठे हैं। पूरा के पूरा परिवार आप लोगों का आ रहा है, क्या डर नहीं लगता आप लोगों को सरकार से? सरकार इस तरीके से, जिस तरीके से एक तरीके से जो प्रदर्शन के खिलाफ या विरोध करने आता है, कई बार जो है केसेस हो जाते हैं उनके खिलाफ। सर केस, पहले भी मैं किसान आईटी सेल में रहा हूँ, मेरे ऊपर 3 केस चल रहे हैं, तो सरकार का काम है झूठे केसों में फंसाना और अनाप शनाप गलत बयानबाजी करके उकसाना लोगों को और जाति धर्म की राजनीति करना। तो पर केसेस से कोई डर नहीं लगता, डर तो अपनी इज्जत से लगता है, और हम अपनी मतलब के सभी की बेटी, सबकी बेटी होती हैं हम, मतलब ये नहीं है कि भाई हमारी बेटी के ऊपर बात आई है, तो ये पूरे इंडिया की 7 बेटियां हैं जिन्होंने केस दर्ज करवा रखा है, और वो भी कोर्ट के कहने के बावजूद मतलब इतनी लेट को केस हुआ है, और उसके बाद मतलब उसको गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो अपनी बेटियों की इज्जत से डर लगता है, कहीं कोई ऐसे ऐसे बलात्कारी गुंडे हैं जो वो उनका शिकार हमारी बेटियां ना बन जाए, तो इसलिए हमें और किसी केस से डर नहीं लगता। सरकार जो चाहे तनाशाही कर सकती है, पर हम लड़ेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? सभी से यही आग्रह है कि जो भी स्वतंत्र मीडिया के आप जैसे साथी हैं जो यहाँ पे आकर अपना टाइम निकाल के निष्पक्ष सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जनता में, सभी को अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए आ जाना चाहिए। और इस मामले को ज़्यादा मतलब सरकार तो षड्यंत्र रचती रहती है, वो इसको जाट राजपूत में उलझा रही है, जाति पाति धर्म में उलझा रही है। वो बात मैंने आपको बताई दी, अगर इसका नाम बजरुद्दीन होता तो 24 घंटे के अंदर सारे के सारे भाजपा वाले यहाँ पे आगे खड़े हो जाते, क्योंकि ये धार्मिक राजनीति करते हैं। पर हमारे लिए एक मुसलमान की बेटी भी वही है, और हिंदू की बेटी भी वही है, सिख की बेटी भी वही है, हम अपने हकों के लिए लड़ना जानते हैं, हम लड़ेंगे। आप लोग खाना जो खा रहे हैं अभी, इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर है, मतलब लोग जो आए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के अंदर भी जो लोग गलत सलत बयान कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे कि कनाडा से फंडिंग हो रही है, ये हो रही है। आप सीधी से एक बात सोचो, अगर मान लो ये मेरी बेटी है, ये पढ़ लिख के अगर कनाडा में रहेगी और इसका बाप यानी कि मैं यहाँ पे आंदोलन करूँगा, तो मेरी बेटी कनाडा से पैसा देगी ना मेरे को? तो उसी को जनता को बरगलाने के लिए मतलब झूठी चीज़ें दिखाने के लिए वो करती रहती है, हमारे लंगर चलते रहते हैं, इतने निष्पक्ष पद दिया है, धार्मिक आधार पे भी करते हैं, तो मतलब मानवता के नाम पे है, धर्म भी है। तो ये नहीं है कि हमने एक मुसलमान का नाम देख के चाहे वो गलत है सही है वो उसके विरोध में उतर जाना है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। सारा का सारा सिस्टम मतलब जो भी चलता है हमारा, खाने पीने का है और सेवा है, सोने की है, सरकार कितनी भी तानाशाही कर ले यहाँ पे, जिन जो लड़कियाँ लड़के सोना लेके आए हैं इस देश के लिए, बारिश में वो सरकार यहाँ की दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो मिट्टी के अंदर सोएंगे, पानी के अंदर सोएंगे। क्या एक मतलब जंतर मंतर किस लिए बना गया है कि यहाँ पे कोई भी भारतवासी संवैधानिक तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पे बैठ के अपना आंदोलन कर सके, अपना विरोध प्रदर्शन कर सके, अपनी मांगों के लिए यहाँ पे आवाज़ उठा सके? पर
यहाँ पे भी बैठने के लिए मतलब हम अपने पैसे से वो लेके आ रहे थे तखत वगैरह, वो नहीं लाने दिए जा रहे। तानाशाही कुछ भी कर ले, हम डटने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विक्की मलिक निडाणा है, डिस्ट्रिक्ट जींद से बिलोंग करता हूँ मैं। पूरा गाँव का समर्थन है इसमें, पूरा गाँव बिल्कुल मतलब पंचायतें चल रही हैं, पूरा गाँव गाँव के हमने कल भी शव यात्रा निकाली है ब्रजभूषण की डिस्ट्रिक्ट जींद में, काफ़ी हजारों की संख्या में लोग थे। और आगे 21 तारीख का सारा हमारे यहाँ के जो आगू नेता है उन्होंने पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है। हम जल्दी ही मतलब सरकार को अगर वो ठीक तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो मतलब के जो लोग हैं वो अपने खापे काम कर रही हैं, सारे गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 21 तारीख को हम दिखा देंगे सरकार को कि तानाशाही क्या होती है और मतलब के सही क्या होता है। हम सही निष्पक्षता के पक्ष में हैं, संवैधानिक तरीके से अपना हल चाहते हैं कि बेटियों को न्याय मिले। तो यहाँ पर एक ऐसा भी परिवार है और ऐसे लोग आ रहे हैं इस पर जो आम लोग हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के क्योंकि पहलवानों के न्याय के लिए, बेटियों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं। जो लोग कह रहे हैं गैर राजनीतिक अड्डा बन चुका है उनके लिए ये एक मैसेज है जो यहाँ का एक परिवार जो है दे रहा है। आप देख सकते हैं तमाम लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर खा पी रहे हैं और जो है इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। देखते रहिए, ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए फोरमपुर, मैं प्रभात, कैमरा पर्सन कोमल के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरमपुर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।